का एक अलहदा से स्टाइल है और दूसरी जानब जो शबीर का एक अलहदा सा स्टाइल है, तो वो जब मिक्सअप हुआ है और जब क्लैब हुआ है तो वो एक बहुत Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel, खतीजा मेहरान रिएक्शन. It's me your host खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान. नाज़रीन, आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो पे रिएक्ट. ये यूट्यूबर हमारे फेवरेट है और ये कपल्स चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर हैं. एक तो है ढकी भाई और दूसरे हैं शावीर जाफरी. दोनों ने अभी कुछ देर अरसा पहले दोनों की शादी हुई है और अब वो कुकिंग चैलेंज करने वाले हैं. एक जानब है शावीर जाफरी मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज शावीर जाफरी और दूसरी जानब है मिस्टर एंड मिसेज डकी भाई, मतलब के साथ. तो आए चलते हैं और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी सी वीडियो होने वाली है. और इस कुकिंग चैलेंज को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला, आप इसे वहां पर जाकर देख सकते हो. तो आज चलते हैं और चैलेंज की तरफ देखते हैं. आज हम लोग लेकर आए हैं कपल्स कुकिंग चैलेंज, द जाफरीज वर्सेस द भाईज, और शुड आई से मिस्टर एंड मिसेस साद. So let me explain the rules of this game. हम दोनों कपल्स को 3,000 रुपए का बजट मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग ने प्रिपेयर करनी है 5 अफ्तारी डिशेस और 1 ड्रिंक. So now everybody knows the rules. Let's go. अब शॉप करते हैं 3,000 रुपए के लिए अफ्तारी चाय. भाई बीवी के सामने नहीं कोई भी किसी की चल रही. मिनट हो गए, हमने खाली अभी तक फ्रूट चाट बनाई है. मैंने तो दो मिनट बना दिया, मैंने तो हो गई है.
subscribe to the channel and hit the like button. अब हम लोग बना रहे हैं फ्राइड राइस। 45 मिनट तक सब चीजें रेडी पड़ी हो, जस्ट आपने बनाना है। आपको बताया लोगों को कि आप क्या कह रही हैं। तो अगले एक मिनट रिकॉर्डिंग नहीं होता तो रिकॉर्ड है। लड़कियों के दिमाग में ना पूरी डिश चल रही होती है, तो वो खुद ही बताए बगैर वहाँ चलेंगे, बताए बगैर वापस आ गई है। हाँ देखा चल रहा था किसी दिमाग। गंद वंद भी डाल देंगे। ये क्या किया है? ये क्या है? देख रहा है क्या बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार है, यहाँ पे एक है, यानी कि यहाँ पे पांच चीजें मिसिंग है और यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है। सो वी गेट 15 मिनट्स ईच और हम सबको एक चांस मिलेगा, एक आखिरी चांस ये चैलेंज कंप्लीट करने की। 15 मिनट स्टार्ट्स नाउ। ऐसे रोने की आवाज आ रही है बॉयज। सॉरी क्या गंद मचाया। खजूर और रोटी के अंदर नहीं हुई है नाम तो मेरे सामने चढ़ा है।
कौन आ रही है? If you enjoyed it, give this video a huge thumbs up. Thank you to Ducky for coming on to the show. Thank you, Arun, coming on to the show. These are bas ye mil gaya chilzi ki Ducky ko nahi farak padta hai. 20% sale on all Star products. Link is in my description. And as always, I'll catch you guys in the next. हाँ जी जी कैसा लगा? बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग है डकी भाई स्पेशल डिश डिश का नाम ना है डकी भाई स्पेशल डकी भाई स्पेशल डिश हो गया भाई, क्या बात है। अच्छा वैसे ये चीज आपको एक मैसेज भी देती है कि आपको कुछ नहीं से भी कुछ आना चाहिए। कुछ ना बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती यार, कुछ ना होते हुए भी ना कुछ आना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। और देखो उन्होंने भी कोई इतनी बड़ी एडवांस डिशेस नहीं बनाई, उन्होंने छोटी छोटी डिशेस को ही प्रिपेयर करके। और सबसे बढ़कर ये था कि कम पैसों के अंदर, और एक जानब थे डकी और अरूप और दूसरी जानब थे शबीर और आयशा, तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब के ना ये देखो व्लॉगिंग वगैरह होती रहती है और ये जो होते हैं ना चैलेंज, और ये जो होता है आप किसी के साथ वो करते हैं कोलैब, वो कोलैबोरेशन के अंदर जब आप कोई बनाते हैं ना तो उसके डकी के आइडियाज और डकी की जो एक अपनी फैन फॉलोइंग है और जो डकी का एक अलहदा से स्टाइल है और दूसरी जान जो शबीर का एक अलहदा सा स्टाइल है, तो वो जब मिक्सअप हुआ है और जब कोलैब हुआ है तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज सामने आई है। और जिस तरह वो मतलब इस तरह बच्चे ट्रैवल करते हैं ट्रॉली के ऊपर, जिस तरह वो अलफतेह के अंदर ट्रॉली के ऊपर ट्रैवल, मतलब मैस कितना क्रिएट हुआ था, मतलब सोचो जैसे सफाई करने उसका क्या हाल होगा। ये हैं बड़े यूट्यूबर, दरअसल गंद डाल दिया लेकिन पकाया। सो डकी भाई तो कहता भाई मेरे से तो नहीं पहले, लेकिन नो डाउट शबीर और आयशा ने काफी अच्छा किया था, क्योंकि देखो ना डकी भाई के व्लॉग्स के अंदर भी अगर आप देखो ना तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, और दूसरी जानब वो जब दिखाते हैं कमरा तो कमरे में वैसे ही नानी पड़ी होती है। मतलब कि वो बिल्कुल भी ना कोई चीजें तरीके से नहीं पड़ी होती। आई थिंक शबीर का ये भी है कि वो लोग मतलब कैनेडियन है तो जो बाहर के होते हैं ना उन्हें आता होता है, उन्हें कुछ आता ही होता सब कुछ ना, मतलब हर चीज थोड़ी थोड़ी आती है, चीजों पे ना ज्यादा रखते हैं, हम कहते हैं वो छोटे कर दे ये। और वो भी कहते हैं कि उसको इस तरह शादी को सारा टाइम हो गया ना, इसने सिखाया है। सो आपको ये रिएक्शन किस तरह का लगा और ये चैलेंज किस तरह का लगा, और आपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी मैच है हमें फॉलो कीजिएगा, हमें सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए अपने अच्छे से मेजबानों को दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।